हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी स्टेप क्लियर कंसेप्ट। तो चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी DGAFMS की तरफ से निकली हुई है, जिसमें रिक्वायरमेंट एग्जाम नेम की बात करें तो इंडियन आर्मी सिविलियन रिक्वायरमेंट 2021 फॉर DGAFMS की तरफ से ये एग्ज़ाम निकले हुए। पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें पोस्ट नेम स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, LDC स्टोर कीपर, हाईली स्किल एक्सरे इलेक्ट्रीशियन, सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट ग्रेड सेकंड, फायरमैन, ट्रेड्समैन मेट, कुक, बारबार, कैंटीन बियरर, वाशरमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, वॉचमैन, चौकीदार, सफाई वाला, मैसेंजर, गार्डनर एंड माली के लिए ये पोस्ट। रिक्वायरमेंट टाइप की बात करें तो ये परमानेंट जॉब्स है, और रिक्वायरमेंट कैटेगरी की बात करें तो ये डिफेंस में जॉब रहने वाली है। चलिए बात करते हैं सैलरी की तरफ। तो यहाँ सैलरी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 25,000 से लेकर 81,000 है। लोअर डिवीज़न कलर के लिए 19,900 से लेकर 63,200 है। स्टोर कीपर के लिए 19,000 से लेकर 63,200 है। हाईली स्किल एक्सरे इलेक्ट्रीशियन के लिए 25,500 से लेकर 81,100 है। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट के ग्रेड सेकंड के लिए 19,000 से लेकर 63,200 है। फायरमैन के लिए 19,900 से लेकर 63,200 है। ट्रेड्समैन मेट के लिए 18,000 से लेकर 56,900 है। कुक के लिए 18,000 से लेकर 56,900 है। बारबर के लिए 18,000 से लेकर 56,900 है। कैंटीन बैरियर के लिए 18,000 से लेकर 56,900 है। वाशरमैन के लिए 18,000 से लेकर 56,900 है। MTS, वॉचमैन, चौकीदार, सफाई वाला, मैसेंजर, गार्डनर, माली के लिए 18,000 से लेकर 56,900 है। पोस्ट नेम वाइज वैकेंसी की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 1 वैकेंसी निकली हुई है। लोअर डिवीज़न कलर LDC के लिए 3 वैकेंसी निकली हुई है। स्टोर कीपर के लिए 14 वैकेंसी निकली हुई है। हाईली स्किल एक्सरे इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 वैकेंसी निकली हुई है। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए 1 वैकेंसी निकली हुई है। फायरमैन के लिए 4 वैकेंसी है। ट्रेड्समैन मेट के लिए 32 वैकेंसी है। कुक के लिए 1 वैकेंसी है। बारबर के लिए 2 वैकेंसी है। कैंटीन बैरियर के लिए 1 वैकेंसी है। वॉशरमैन के लिए 2 वैकेंसी है। MTS, वॉचमैन, चौकीदार, सफाई वाला, मैसेंजर, गार्डनर, माली के लिए 2 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड के लिए 12 पास, लोअर डिवीज़न कलर के लिए 12 पास, स्टोर कीपर के लिए 12 पास, हाई स्किल एक्सरे इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पास विद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए 10 पास। फायरमैन के लिए 10 पास विद जनरल फायर फाइटिंग कोर्स। ट्रेड्समैन मेट के लिए 10 पास। कुक के लिए 10 पास। बारबर के लिए 10 पास। कैंटीन बैरियर के लिए 10 पास। वॉशरमैन के लिए 10 पास। MTS, वॉचमैन, चौकीदार, सफाई वाला, मैसेंजर, गार्डनर, माली के लिए 10 पास। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। हम आपके लिए ऐसी जॉब के रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन लाते रहेंगे। चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ एज लिमिट कैंडिडेट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर टू 27 ईयर, मतलब 18 साल से लेकर 27 साल के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल की बात करें तो 3 ईयर OBC के लिए है और 5 ईयर SC ST कैंडिडेट के लिए। एडिशनल 10 ईयर फॉर PH कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल रहा है। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन DGAFMS थ्रू इंडियन आर्मी सिविलियन रिक्वायरमेंट 2021 विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम एंड स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एप्लीकेबल। मतलब आपका जो भी सिलेक्शन होने वाला है वो रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट के बिना पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नो एप्लीकेशन फ़ीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ इंपॉर्टेंट डेट, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 9 जुलाई 2021 से, और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 9 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर से शेयर करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना।